हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। ये क्लास 11th ही नहीं जब बल्कि ये हर एक इंसान को जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी और जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये एक हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि बारिश का बूंद जो है वो स्फेरिकल शेप में ही गोल ही क्यों गिरता है। तो यहाँ पर आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग टॉपिक लिखोगे एक्सप्लेन व्हाई रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, पानी जो है वो स्फेरिकल में क्यों ड्रॉप होता है, क्यों गिरता है। ठीक है, ये स्पेशली पानी के लिए ही नहीं है ड्रॉप, जो आप लोग हम लोग रेन बारिश का पानी जो है वो उसके लिए सिर्फ नहीं है। कोई भी लिक्विड को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं, लिक्विड को ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा कि नीचे जब भी आएगा वो स्फेरिकल के शेप में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ऐसा सबसे बड़ा एक रीज़न क्या है कि यहाँ सरफेस टेंशन लगने के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो ऊपर से जो रेन बारिश होता है, बारिश का जो बूंद गिरता है अर्थ पर, वो स्फेरिकल शेप को आपको देखने को मिलेगा। वो कभी भी आपको ट्रायंगल शेप में नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे शेप्स हैं उसमें कभी नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये स्फेरिकल शेप में ही आपका अर्थ पर गिर रहा है, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे मेन रीज़न क्या था आपका कि सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, और दूसरा क्या रीज़न है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटी क्या करता है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सरफेस टेंशन में किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना है, जहाँ शिफ्ट करना है, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा कर के बैठ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये एनर्जी इसको कौन दे रहा है, जब ये ऊपर बादल में वहाँ पर था, बारिश नहीं हो रहा था, तो देखिए जब भी वो बारिश बूंद गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ग्रेविटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी से कारण वो जो ऊपर से बूंद गिर रहा है वो ग्रेविटी अपने और एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो ग्रेविटी क्या करेगा, आपको नीचे की ओर खींचेगा, उसको फोर्स लगाएगा, वो खींचेगा। तो ये भी एक रीज़न है। तो दो मेन रीज़न हम लोगों ने पढ़ा, सरफेस टेंशन और दूसरा आपका ग्रेविटी के कारण ये बूंद जो है वो स्फेरिकल देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर नॉर्मल पूछे कि बारिश का बूंद सीधा स्फेरिकल शेप में ही क्यों अर्थ पर आकर के गिरता है, तो ये मेन रीज़न है कि उसका सरफेस टेंशन लगता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल अगर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहता है तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको कहाँ से मिलता है, ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी में जो ऊपर से बूंद गिर रहा है आपका, ग्रेविटी क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखिए यहाँ पर जो बूंद ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी के कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको अपने और खींच रहा है, और इसमें सरफेस टेंशन भी लग रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के कारण सबसे मेन रीज़न है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आज का बेसिक नॉलेज जो हम लोग पढ़ेंगे, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल, वाई जो उसका बूंद होता है वो स्फेरिकल क्यों ड्रॉप होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो होगा वो समझ में आया होगा। अब हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ ही सीख करके एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफिनेशन भी करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, है ना। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाए तो आप लोग आसानी से कर लो। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ साथ लिखते भी चलना है। दी शेप ऑफ एनी लिक्विड इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। इसमें दो फैक्टर हुआ, कौन कौन? तो पहला मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन और दूसरा मैंने क्या बताया, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं वेट के कारण, है ना, वेट के कारण। ठीक है, द शेप ऑफ एनी लिक्विड इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। इसमें कौन कौन सा दो फैक्टर होगा, सरफेस टेंशन, दूसरा होगा आपका ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या उसके वेट के कारण। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग अब करते हैं। इन रेन ड्रॉप दी इन रेन ड्रॉप दी सरफेस ड्रॉप द सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स इज लार्ज इन
कंप्रेशन, इन कंप्रेशन टू ग्रेविटी, इन कंप्रेशन टू ग्रेविटी फोर्स, फोर्स सो इट बिकम्स स्फेरिकल, स्फेरिकल बिकॉज बिकॉज फॉर द गिवेन, फॉर द फॉर आ गिवेन, फॉर आ गिवेन वॉल्यूम आ स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस, मिनिमम सरफेस एरिया। चलिए यहाँ तक ये इसका डिफिनेशन हो गया है ना। जो आप लोग एग्जाम में कभी भी अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग इतना लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो सभी को जानना चाहिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी है, और बहुत जो नहीं भी कर रहे हैं अभी तो लगभग सबको ही पढ़ाई करते ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी संस्थाएँ चला रही है जिससे बच्चे को आसानी से शिक्षा मिल पाए और सब कुछ मिल रहा है बच्चों को, फ्री खाना और फ्री पढ़ाई, बुक्स वगैरह। तो लगभग सभी बच्चे को, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अच्छा ऑफर्स गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है। आप लोग सभी को आप लोग मोटिवेट करो कि ताकि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके, एजुकेशन ला करके, और अपने देश को अपने समाज को अच्छी तरह से चेंज कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से करते हैं आगे। तो दो फैक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, सरफेस टेंशन और ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर उसके वेट के कारण हम लोगों को जो बूंद होता है, रेन का ड्रॉप जो होता है, वो लिक्विड का ड्रॉप जो होता है, वो आप लोगों को स्फेरिकल देखने को मिलता होगा। ठीक है, इन रेन ड्रॉप्स द सरफेस टेंशन फोर्स इज लार्ज इन कंपेरिजन टू ग्रेविटी फोर्स। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेन जो ड्रॉप करता है उसमें सरफेस टेंशन लगता है, ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट या फिर मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो उसमें क्या लग रहा है, आपका सरफेस टेंशन लग रहा है। तो सरफेस टेंशन देखिए, ऊपर से अगर यहाँ से गिर रहा है तो सिर्फ एक बूंद जो होगा पूरे ग्रेविटी में बहुत ही कम हिस्से में पड़ा होगा, बहुत ही कम हिस्से में। अगर एक बूंद गिर रहा है तो पूरे जो ग्रेविटी है उसके एक हिस्से में गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके कंपेरिजन में जो सरफेस टेंशन के कंपेरिजन में बहुत ही लार्ज होता है कौन, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी फोर्स। So it becomes spherical because for a given volume a sphere has minimum surface area. वो बहुत ही minimum surface area को क्या कर पाता है, उपाय कर पाता है, अपने absorb कर पाता है। बहुत ही पूरे world में जितना भी gravity है तो उसके एक हिस्से में ना एक बूंद गिरता है, तो वही आपका बोला गया है कि वो minimum area cover कर पाता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो है drop है वो बारिश का बूंद जो है वो आप लोगों को स्फेरिकल देखने को मिलेगा। कभी भी आपको इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ट्रायंगल के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी इस तरह से आप लोगों को देखने का नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमेशा आपको स्फेरिकल के शेप में ही मिलेगा। और ओनली जो बारिश का बूंद है वही नहीं, कोई भी लिक्विड को आप ऊपर से छोड़ोगे तो आपको स्फेरिकल के जैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो स्फेरिकल के शेप में अर्थ पर गिर रहा है। तो ये इसका बेसिक क्या है कि उसमें सरफेस टेंशन लग रहा है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर में हैं उसको अगर नीचे जाना है, अगर उसको नीचे जाना है तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है उसके उससे ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए, तभी उसको हटा करके वहाँ पर आ सकता है। तो क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण जो ऊपर में ऑब्जेक्ट है मॉलिक्यूल्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी इसको अर्थ से मिलता है। ठीक है, तभी इसको आप लोग देखोगे कि ये स्फेरिकल के दिशा गिरता हुआ मिलेगा। अभी बारिश का समय भी है तो आप लोग देख भी सकते हो, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा, नहीं माइंड किया होगा, बारिश का समय है, लगभग आप लोग सभी को देख सकते हो। अगर वैसा नहीं करना है तो ऊपर में कुछ भी चीज़ से आप लोग अपने हाथ में लेकर के और इसको पानी को छोड़ दो, देखना जब भी वो अर्थ पर आएगा तो हमेशा आप लोगों को स्फेरिकल के शेप में ही देखने को मिलेगा, या फिर स्फेरिकल के जैसा यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो क्या रीज़न है, सरफेस टेंशन और ग्रेविटी के कारण। दो चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर को है जो याद रखोगे। ये बेसिक क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछने, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग के एग्जाम में नहीं आया तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। आप पढ़ाई छोड़ दोगे बाद में आपको भी कोई भी पूछ सकता है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये बताओ कि जो बारिश का बूंद है वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों गिरता है। तो इसका मेन रीजन मैंने बताया, सरफेस टेंशन और ग्रेविटी के कारण। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।